अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है KMC हेल्थ सिटी एंड KMC कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं FirstBite.tv। कोरोना काल में क्वारंटाइन किए गए लोगों के लिए यह खबर कुछ राहत भरी हो सकती है। मेरठ जिला प्रशासन ने कुछ होटलों के साथ मिलकर यह योजना बनाई है कि यदि कोई व्यक्ति क्वारंटाइन अवधि अपने पसंदीदा होटल के रूम में बिताना चाहे तो वह बिता सकता है। आर्थिक तंगी व रोजाना के खर्चे मुंह बाहें खड़े देख कुछ होटलों ने भी इसे सशर्त मंजूरी दे दी है। कोरोना से जूझ रहे लोगों के लिए यह बात बिल्कुल ट्रकों के पीछे लिखे उस स्लोगन की तरह है कि दम है तो रेस कर वरना बर्दाश्त कर, यानी जेब में दम है तो आ वरना सरकारी अस्पतालों की बद इंतजामी को बर्दाश्त कर। बता दें कि सरकारी अस्पतालों की अपनी मजबूरियां हैं और सीमित संसाधन को जो हाल है वह किसी से छिपा नहीं है। लगभग रोजाना ही नए नए वीडियो और ऑडियो सामने आ रहे हैं। रोगियों को जिन्हें भरपूर डाइट मिलनी चाहिए उन्हें कैसा खाना दिया जा रहा है वह यहाँ बयां करना जरूरी नहीं है। वीडियो और ऑडियो सामने आ रहे हैं, लेकिन एक कड़वा सच यह भी है कि जब संपन्न परिवार से किसी को जनरल वार्ड में रखा जाएगा वह सामूहिक बाथरूम इस्तेमाल करेगा तो मानसिक रूप से परेशानी तो होगी ही। सरकारी सीमित संसाधन में वह आराम सुविधा तो नहीं मिल सकती जो घर में रहकर मिलती है, और यही कारण है कि जो वीडियो सामने आई भी हैं वे ऐसे ही लोगों की रही है। अब इस परेशानी को देखते हुए निर्णय लिया गया है कि होटल के रूम क्वारंटाइन किए गए लोगों को मुहैया करा दिए जाएं, लेकिन अधिक कीमत पर। यह बिल्कुल वैसा ही समझा जा सकता है जैसा शराब के दीवानों के लिए अधिक रेट या फिर रेल में अधिक किराया। फिलहाल मेरठ में बिग बाइट के 12, मुकुट महल और सुभद्रा के 28, राजहंस रेजेंसी में 25, कोरोना में 29 रूम उपलब्ध हैं। यहाँ ₹1,000 से ₹2,500 तक के रूम प्रति व्यक्ति लिया जाएगा, खाना पीना अलग। भाजपा के पूर्व विधायक अमित अग्रवाल ने प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर से बात की है। उनका कहना है कि उत्तराखंड में रिजॉर्ट होटल में क्वारंटीन किए गए प्रति व्यक्ति ₹1,100 प्रतिदिन में खाना नाश्ता चार्ज किया जा रहा है। ऐसा वहाँ की सरकार ने तय किया है। उत्तर प्रदेश में भी इसी तर्ज पर जो लोग यह सुविधा ले सकते हैं दी जानी चाहिए। उनका यह भी कहना है कि ₹2,500 प्रतिदिन आम लोगों की पहुंच से बाहर का मामला है। भाजपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष करुणेश नंदन गर्ग ने भी मुख्यमंत्री योगी को एक पत्र भेजा जिसमें महामारी में अकाल मृत्यु को आकस्मिक दुर्घटना मान आश्रितों को भरण पोषण की जिम्मेदारी सरकार द्वारा लेने की बात कही गई है। साथ ही ₹5,00,000 की आर्थिक मदद और किसी परिजन को सरकारी देने की मांग भी की गई है। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए FirstBite.tv। नमस्कार।